परम अवतार श्री कृष्ण। जरासंध की कालचक्र सिद्धि द्वारा भूतकाल में प्रवेश कर कंस बढ़ता है देवकी के गर्भ से जन्मे अपने काल का अंत करने। अब मैं विष्णु के उस अवतार उस बालक की हत्या करके अपने भूत सुधारूंगा। कंस जरासंध की सहायता से उस काल में प्रवेश कर गया है जहां उसे मारने वाले देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र का जन्म हुआ था। तब तो मुझे अतीत में जाकर कंस को अनर्थ करने से रोकना होगा। ऋषि गर्गाचार्य बताते हैं कि समय के अतीत में प्रवेश करने हेतु कान्हा को करनी होगी अनिमा सिद्धि की प्राप्ति। स्कंदरा में प्रवेश करने का अब एक ही मार्ग है कान्हा, और वो है अष्ट सिद्धियों में प्रथम सिद्धि अनिमा सिद्धि। कैसे करेंगे कान्हा समय के उस पार अपने ही बाल रूप की रक्षा? देवकी की आठवीं संतान को मारने हेतु महाबली जरासंध करते हैं भूतकाल में प्रवेश। जमाता, शत्रु कितना भी छोटा क्यों ना हो, किंतु उसे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। और अनिमा सिद्धि की सहायता से कान्हा करेंगे जरासंध के काल चक्र अनुष्ठान को भंग करने का प्रयास। वृंदावन में छुपी देवकी की आठवीं संतान को खोजने हेतु जरासंध इस बार बुलाता है यक्षिणी जरा को। कंस, तेरी इतनी वर्षों की प्रतीक्षा को आज मैं अंत कर दूंगा। तू सत्य जानना चाहता है ना? तो ठीक है, मैं बताऊंगा तुझे सत्य। अपने भक्तों को बचाने हेतु कान्हा करते हैं मथुरा को प्रस्थान। तो ये है वो राक्षसी जिसने सभी वृंदावन वासियों का हरण किया है। नंद तथा वृषभानु को चुकाना पड़ता है कंस की इच्छा के विरुद्ध जाने का मूल्य। प्रतीक्षा मृत्यु दो इन्हें। महाराज कंस, ऐसा धर्म मत कीजिए, मत कीजिए। यक्षिणी जरा की चित्कार सुन आश्चर्यचकित रह जाते हैं जरासंध तथा कंस। और कान्हा बताते हैं कंस को गोकुल में आए सभी असुरों की मृत्यु का सत्य। मैं वही बालक हूँ जिसने तेरे सभी असुरों का वध किया है। मैं वही बालक हूँ जिसे तू पिछले 5 वर्षों से ढूंढ रहा है। वृंदावन वासियों के मन से कंस का भय दूर करने राधे कृष्ण करते हैं श्रावण मास का आयोजन तथा कृष्ण को काल की गोद में सुलाने जरासंध और कंस रचते हैं नया माया जाल। हमें किसी ऐसे को चुनना चाहिए जिसके हाथों विष्णु के अवतार की मृत्यु अटल हो। मेरे अतिरिक्त संसार में ऐसा कौन है? एक ऐसा बहरूपिया जिसे मृत्यु भी ना पहचान सके। परम अवतार कृष्ण, तेरे मृत्यु अब तेरे ही धाम में प्रवेश कर रही है। श्री कृष्ण के जीवन को मृत्यु में परिवर्तित करने काल यवन रखता है वृंदावन में कदम। कहाँ है कान्हा, बता दो वरना सब के सब मरोगे। क्यों ढूंढ रहे हो कान्हा को? कैसे करेंगे कान्हा निर्दयी काल यवन का सामना? अपने अनुज भ्राता की रक्षा करने हेतु काल यवन से हुई भिड़ंत में घायल होते हैं बलराम दाऊ। कान्हा, कान्हा, वो दाऊ को काल यवन। बलराम की गंभीर स्थिति का समाचार सुन अचंभित हो जाते हैं श्री कृष्ण। अब केवल प्राप्ति सिद्धि द्वारा ही बलराम के जीवन की रक्षा की जा सकती है। अब किस प्रकार सहायता करते हैं अपने बलराम दाऊ की कृष्णा? अपने बलराम दाऊ की जीवन रक्षा हेतु कान्हा को मिलता है सूर्योदय तक का समय। तुम्हारे पास समय केवल आज रात्रि मात्र है। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ बलराम के जीवन का अंत हो जाएगा। ए बालक, कहाँ ले जा रहा मेरी ब्रह्म कन्या को? जो जितना बड़ा दिखता है भीतर से उतना ही दुर्बल होता है। अब किस प्रकार करते हैं श्री कृष्ण बलराम जीवन के लिए संघ? असमंजस में फंसे कान्हा को मिलता है रात्रि भर का समय कन्या को ब्रह्म राक्षस के चंगुल से बचाने तथा अपने भ्राता बलराम की जीवन रक्षा के लिए। अब किस प्रकार पार पाते हैं श्री कृष्ण ब्रह्म राक्षस से? मेरे कार्य में बाधा डालने के लिए तू यहाँ भी आ गया। लगता है आज तू मरे बिना मानेगा नहीं। ओम नमः शिवाय। Yeah!
आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैरव देव, स्त्रियों की रक्षा के लिए इतने घातक असुर का अंत करके आपने केवल देवी ब्रह्मकन्या पे नहीं अपितु संपूर्ण संसार के स्त्रियों पर उपकार किया है। कान्हा, उपकार तो तुम्हारा है मुझ पर, यदि तुम समय पर ना पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता। देवी, अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है, अब आप अपने घर जा सकती हैं। मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। रात्रि काल होने को है और दाऊ के जीवन प्रसंग बढ़ता ही जा रहा होगा, अभी तक मुझे प्राप्ति सिद्धि नहीं मिल रही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गए सबके सब? वृंदावन वासियों, अरे महाराज काले वन आए हैं तुमसे मिलने, स्वागत नहीं करोगे? ए वृंदावन वासियों, अरे घरों में ही छुपे रहोगे क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काले वन के भय से आग खड़े हुए हैं सबके सब। कान्हा, अरे वृंदावन वासियों, कान्हा को कहाँ छुपा रखा है? भाग गया तो अपनी मृत्यु का स्वागत इस तरह से भाग कर किया है इस वृंदावन के लल्ला ने, और वहां कंस इसकी वीरता की गाथा पर गाथा सुनाए जा रहा था कि कैसे वृंदावन को वो नन्हा सा लल्ला बड़े से बड़े असुरों को मार गिराता है। अब क्या कहे उस लल्ला को? हमारी प्यारी दीदी केशनी, आपके इस निर्णय के साथ ही कंस धाम में आपका खेल पूरा हुआ। अब अपनी शेष लीला आप यमलोक में करिएगा। वृंदावन के वासियों, इस सैनिकों को नहीं पता कि स्वयं मृत्यु की गोद में चढ़कर आए हैं। कंस के सैनिकों का वध कर केशनी देती है विष्णु भक्त होने का प्रमाण। अपनी सभागत भक्त का उद्धार कीजिए प्रभु। कान्हा के सम्मुख केशनी को नतमस्तक देख अचंभित रह जाता है कालयवन। तू भी विष्णु भक्त? अब कंस को इस बालक के साथ साथ मेरी मृत्यु का समाचार भी प्राप्त होगा। छोटकी बहू जी, तुम्हारे हाथ में का लिखा था दिखाओ ना। हुआ छोटकी बहू जी के हाथ में ना ऐसे मुन्नी बाई लिखल था। मुन्नी बाई, ये किसका नाम है? देखा, देखिए। मिस्टर जी, आपका ये गुड्डा गुड्डियों से खेलने का दिन कब का बीत गया? मैं इसे डायपर पहनाना सीख रहा हूँ। का पहनाना सिखा रहे हैं? डायपर? डायपर वो लंगोट, तुम्हें बांधनी नहीं आती? हमें ये देखना है कि आप बांध सकते हैं कि नहीं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत ईजी है। देखो, अंदर जाओ। कच्चे बनियान के बच्चे, छोड़ उसको। आजा बेटा, अगर हाथ मिला मुझसे इसी बात पर। कैन आई नो योर गुड नेम? माइशेल बसंती। डोंट गो, डोंट गो। अबे ओए अंकल, चलने दो ना, जा चूल्हे बाढ़ में, समझे ना।